हाय गाइस, दिस इज़ सीए अश्विनी पुरोहित। मैं आपको प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के बारे में बताना चाहता हूँ कि कैसे सीए फाइनल्स को मैं कैसे हमको प्रिपरेशन करना चाहिए। जैसे कि आज अगर हम कल से काउंट करेंगे तो हमारे पास लगभग 66 डेज बचे हुए हैं एग्ज़ाम को। 66 डेज अगर हम ओनली ग्रुप वन का एग्ज़ाम देंगे, एक सिंगल ग्रुप देंगे, तो हमारे पास लगभग 16 दिन हैं। अगर बोथ ग्रुप हम टारगेट कर रहे हैं तो हमारे पास अभी 8 दिन है पर सब्जेक्ट। और शायद जो जिन्होंने अभी फर्स्ट एक ग्रुप दिया होगा सिंगल, तो शायद उनका एक ग्रुप भी क्लियर ना हुआ हो, शायद वो कन्फ्यूज़न में होंगे कि सिंगल दें या बोथ दें, क्या करें। तो उनको मैं उनके लिए भी मैं बताऊँगा क्या करना चाहिए, सिंगल और बोथ कौन सा देना चाहिए। और मैं सब्जेक्ट वाइज पूरी स्ट्रेटजी बताना चाहता हूँ। अभी मैं अकाउंट FR एंड स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट और एडवांस ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस के बारे में बताऊँगा। तीन सब्जेक्ट शायद पूरा आज मैं बता दूँगा कैसे कैसे कवर करना चाहिए। तो मैं मानता हूँ कि आपने शायद या कर लिया हो सिलेबस या ना किया हो। अगर मैं सिंगल ग्रुप टारगेट कर रहा हूँ अभी, तो जो स्ट्रेटेजी है वो एक फुल सिलेबस हमारा एक से मतलब दो बार तो एटलीस्ट हो जाना चाहिए, बाय हुक और क्रूक दो बार होना चाहिए। और साथ में क्या एडिशन करना चाहिए जो हमारी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाए एग्ज़ाम में पास होने की। एग्ज़ाम में पास होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती है जब हम फर्स्ट ईयर के पेपर सॉल्व करें, MTP करें, RTP करें। क्योंकि एक मैंने खुद फर्स्ट ईयर के पेपर MTP RTP सॉल्व करे थे, उससे मुझे ज़्यादा बेनिफिट मिला था। मैं जहाँ और तभी मैं पास हुआ जब पास्ट ईयर के RTP MTPs करी, क्योंकि मैं एक एग्ज़ाम इन्वायरमेंट में मेरी प्रिपरेशन हो चुका था। क्या कंसेप्ट्स को ICAE टच करता है, क्या एक्सट्रीम पोजीशन पे कोई भी टॉपिक जा सकता है, वो मैंने टारगेट, वो सब कुछ हमारा एक थ्रेड टाइप क्लियर हो जाता है। ये चीज़ें पास्ट एंड अटैम्प्ट के पेपर हो जाने मतलब अगर कर लें तो बहुत बेस्ट होगा। पास आप खुद समझ जाएंगे जब आप 3-4 अटैम्प्ट बैक के पेपर करेंगे और धीरे धीरे जाएंगे तो आपको खुद। कॉन्फिडेंस हाई हो जाएगा कि यस वी हमारा ये चीज़ क्लियर हो चुकी है और एग्ज़ाम में कैसे पूछ सकते हैं। पास 5 अटैम्प्ट के RTP MTP सॉल्व करके देखें, उसके बाद अगर आपको टाइम मिले तो स्टडी मैट के ऊपर कूदें। ये उनके लिए है स्ट्रेटजी। अभी ये जो भी बता रहा हूँ, ये जो एक दो बार एटलीस्ट हो जाना चाहिए, फिर पास 10 अटैम्प्ट जिन्होंने लगभग सिलेबस कम्प्लीट कर चुका है या पहले एक महीने से कंटिन्यू करते हुए आ रहे हैं, तो उनको लगभग ये चीज़ दो बार हो जाना चाहिए पास्ट एंड अटैम्प्ट। क्योंकि 66 डेज हैं आपके, जो 20-22 अक्टूबर से आप सिर्फ FR की तरफ भागने लगेंगे, धीरे धीरे एक स्विच हो जाता है। 20 हम ये खुद मान के चल सकते हैं 20-22 अक्टूबर तक ही हमारा अदर सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, उसके बाद 22-23 अक्टूबर से हमारा FR शुरू हो जाता है। क्योंकि फिर 5-6 दिन तो एटलीस्ट उनको रिविज़न के लिए चाहिए ही रहते हैं FR के लिए। तो इसके बाद हम देखते हैं, जैसे कि अकाउंट्स अगर देखें हम, तो अकाउंट्स में हमको कहाँ फोकस करना चाहिए। मैं एक चीज़ पहले बता देता हूँ, मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी कंसोलिडेशन पढ़ा ही नहीं और मैंने सेल्फ पढ़ा, मैंने कोई क्लासेस नहीं ली थी। और जिसमें एक्चुअली प्रवीण शर्मा सर को मैं भगवान मानता हूँ उस चीज़ के लिए, मैंने उनके फोटोकॉपी नोट्स खरीदे थे और उन्हीं नोट्स से और उनकी जो रेलिवेंट बैच का बुक था उसको ही रिफ़र किया था मैंने। एंड वेरी है उस चीज़ ने मुझे बहुत हेल्पफुल किया चीज़ों को, मैं पढ़ पढ़ के बहुत चीज़ें सीखता गया उसमें। और कंसोलिडेशन मैंने फाड़ के अलग कर दिया था, मतलब बुक्स उसकी जो फोटोकॉपी नोट्स थे उसको मैंने हटा दिया था। मेरे लिए कभी कंसोलिडेशन कभी सिलेबस में था ही नहीं। तो अब मैं बताता हूँ कि हमको कैसे फोकस करना चाहिए। मैं क्या सिलेबस को ABC कैटेगरी में हमेशा डिवाइड करके रखता हूँ, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट में सब चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं होती है और सब चीज़ वेस्ट नहीं होती है। तो मैं एक कैटेगरी में हमेशा डाल के AS को सबसे पहले पढ़ा करता था, जैसे AS 15 हुआ, AS 22 हुआ, लीज का हुआ, ESOP हुआ, शेयर बेस्ड पेमेंट हुआ, EPS हुआ, इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हायर प्रोबेबिलिटी है इस बार आने के, डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में हमको कहाँ ध्यान देना होता है, स्टार्टिंग के तो हम लोग सब कर लेते हैं, जब आप लास्ट में आएंगे जो स्ट्रिप्स, फाइनेंशियल प्रिंसिपल इंटरेस्ट, ये सब को जब ट्रांसफ़र करते हैं
इसका क्वेश्चन भी आए थे पहले भी, एक दो बार आया है क्वेश्चन, प्रिंसिपल इंटरेस्ट जा रहा है या प्रिंसिपल जा रहा है या इंटरेस्ट जा रहा है या स्ट्रिप या कितने परसेंटेज जा रहा है, यहाँ तक आने के बाद हम दम तोड़ने लगते हैं। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और ICAI इस पर बहुत अच्छे से टारगेट मारता है, बेसिक से क्वेश्चन दे देता है और वो अपने मटेरियल से ही देता है, पर हम लोग हमको बेसिक उसका पढ़ते ही नहीं, हम ऊपर से देख के चले जाते। तो मैं ये कहूँगा कि इस ऐसी चीज़ों को ज़रूर फोकस करिए। जो एंड के टॉपिक होते हैं ना, मैं क्या करता था, मैं एक बार मैंने पूरा सिलेबस पढ़ लिया, उसके जब मैं सेकंड टाइम रिकैप मारता हूँ तो उल्टा करता हूँ, मैं बैक से चलता हूँ, मैं कभी दोबारा आगे से नहीं जाता, क्योंकि आगे की चीज़ सारे लोग कर लेते हैं और हम लोग कर ही लेते हैं, इंटरेस्ट आई जाता है स्टार्टिंग। मैं बैक से स्टार्ट करता हूँ तो पीछे की चीज़ मेरे से कवर हो जाती है अच्छे से, तो उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं आता। उसके बाद बी कैटेगरी में मैंने डाला हुआ था इंटेंजिबल एसेट, अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट, AS 29, AS 11, ये तो हमारा इस AS का पार्ट हो गया, ये AS इतना कर सकते हैं। मतलब हर चीज़ को तोड़ तोड़ के मैं रखा हुआ था कि कौन सी चीज़ को मेरा ए कैटेगरी है, जो जिस पर इंस्टीट्यूट मारेगा ही मारेगा, हायर प्रोबेबिलिटी है चीज़ों पर जाने की। मैं सिलेबस पूरा कवर करता था बट सबको डिवाइड करके रखा था मैंने कि इस पर इतना टाइम देना चाहिए, इस पर मुझे मतलब इधर से मार्क्स ही नहीं जाना चाहिए, AS 15 के क्वेश्चन आते हैं, ESOP, EPS। आप जब पास्ट के पेपर करेंगे खुद आपको पता चल जाएगा किस तरीके से ICAI पूछता है क्वेश्चन और किस टॉपिक्स को ज़्यादा कवर करने की कोशिश करता है। उसके बाद हम देखते हैं सब अदर देन AS का, जैसे वैल्यू एडेड स्टेटमेंट हम लोग क्या करते हैं, ठीक है बाद में कर लेंगे, हो जाएगा, ईजी है, तो उसकी तरफ हम ध्यान नहीं देते हैं। वैल्यू एडेड स्टेटमेंट, EVS हुआ, ब्रांड, उसके बाद HR वाला क्वेश्चंस होते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो 8-8 नंबर के आते हैं और इट मेक्स डिफरेंस। हम कंसोलिडेशन पढ़ते रह जाते हैं और वो HR का 8 नंबर का क्वेश्चन आता है। मैंने कभी कंसोलिडेशन टेस्ट नहीं किया, कभी इंडियस के जो काव इन काव आउट से कभी नहीं करता था। मेरा मानना ये था 16 मार्क्स की जगह जो है वो मैं 16 में अमल कमीशन वाले क्वेश्चंस करूँगा, डीमर्जर वो ये सब क्वेश्चंस हैं अदर देन कंसोलिडेशन वो करूँगा, और ज़्यादा से ज़्यादा 8 मार्क्स का इंडियस का क्वेश्चन होगा। तो मेरा पेपर 92 का अटैम्प्ट होगा ना, और 92 में से मुझे 60-65 तक मैं टारगेट रखता था, मतलब कि ठीक है 60-60 एग्जम्पशन मेरा आना चाहिए, तो मुझे 60-65 का टारगेट रखना है, मुझे 92 में से मुझे मार्क्स लाने हैं ना, 8 मार्क्स जाने देता हूँ, 8 मार्क्स के लिए मैं इतनी मेहनत करूँगा, उससे अच्छा तो मैं बार बार रिविज़न कर और शार्प बना दूँगा चीज़ें। तो मेरी स्ट्रेटजी बहुत यूज़ हुई है, मुझे उसमें कोई डाउट भी नहीं है कि मेरे को कोई लॉस हुआ, मुझे इससे पूरा फ़ायदा मिला है। और कम समय में एक्चुअली आपको बता देता हूँ, मैं एक्चुअली वर्किंग हूँ ऑलरेडी, मेरा फाइनल का फर्स्ट अटैम्प्ट से पहले ही मेरी जॉब लग गया था, मैं पब्लिक सर्वेंट हूँ ऑलरेडी और मुझे 3 साल से ज़्यादा हो गया, मैंने अपनी जॉब के साथ साथ मैंने अपनी पढ़ाई करी, और इस अटैम्प्ट में मैंने सिर्फ 8 दिन की छुट्टियाँ ली थी, वो भी एग्ज़ाम डेज की और एग्ज़ाम के अगले दिन की, मैंने ऑफिस के साथ पूरी चीज़ मैनेज की है और इस चीज़ ने मुझे बहुत अच्छी चीज़ सिखाई, और मेरा स्कोर भी ठीक है, 226 नंबर आए मेरे, 58 अकाउंट्स में मेरे, 51 SFM में है, 61 ऑडिट में है, 56 लॉ में है। तो फिर इसके आगे आते हैं, हम बता दिए वैल्यू एडेड स्टेटमेंट हमारे कैटेगरी में डाल देना चाहिए, हमको इकोनॉमिक वैल्यू एडेड डाल देना चाहिए, अमल कमीशन वाले जो क्वेश्चंस हैं वो क्रॉस होल्डिंग ये सब उसमें आ जाते हैं, इतना शेयर वो होता है, वो इस बार क्वेश्चन आया था, और ये सब इंपॉर्टेंट है, मतलब 16 मार्क्स इन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए। और एक और चीज़ आपको बता देता हूँ, जब आप ब्रांड वैल्यूएशन, बिजनेस और गुडविल और शेयर की वैल्यूएशन वगैरह करेंगे ना, तो उसमें गुडविल का एक गुडविल फाइंड करने का मेथड है, अर्निंग मेथड, EPS DPS वाला रेट, अर्निंग रेट, ऐसा कुछ फॉर्मूलेज होते हैं उनके, वो सेम चीज़ अमल कमीशन में भी यूज़ होती हैं चीज़ें जाती हैं अमल कमीशन के क्वेश्चंस में। तो जो गुडविल कैलकुलेशन, अर्निंग कैपिटलाइजेशन मेथड, अर्निंग मेथड, पे आउट रेशियो के अकॉर्डिंग जो भी मेथड होते हैं उसको, ये मैंने फाइंड किया था, मुझे भी यहाँ तकलीफ होती थी जाके, तो मैंने इस पर वर्क किया अच्छे से वर्क करता था, उसके बाद मुझे धीरे धीरे चीज़ समझ आई। और इंस्टीट्यूट का भी यही रवैया होता है इन चीज़ों पर कि उसे भी पता है ये इंपॉर्टेंट है तो इसी से पूछा जाए, और हम लोग गलतियाँ का कैल हम ऊपर से ऑडिट करते टिक 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 हाँ ठीक है ओके ये चीज़ करके ख़त्म कर देते हैं, जिससे मुझे बहुत लॉस हुआ। मुझे भी कंसेप्ट आते थे, मैं ऑडिट करता था तो उससे मुझे रिजल्ट प्रॉपर नहीं मिले, मेरे कैलकुलेशन मिस्टेक्स दबा के होते थे, मैं कभी थ्योरी सब्जेक्ट में फेल नहीं होता था, और प्रैक्टिकल में इसलिए फेल हो जाता था कि मैं प्रैक्टिस ही नहीं होती थी मेरी। आई नो द कंसेप्ट, और मैं 100 मार्क्स का पेपर अटैम्प्ट करता था और मुझे लगता था यार 50-55-60 तो मैं टच करूँगा, जब मैं देखता था कि हर एक स्टेप सही है बट आई मेड कैलकुलेशन मिस्टेक्स, जैसे गुडविल के क्वेश्चन होते हैं, ब्रांड वैल्यूएशन होंगे, कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती हैं चीज़ों पर जाके। तो ऑडिट कभी नहीं करना चाहिए चीज़ों का, जस्ट खुद प्रैक्टिस करो एक बार,
एक बार करके देखो, वहीं जैसे लगेगा नहीं नहीं मुझे आ गया ना, तो क्या करो, खोलो कॉपी, खोलो ब्लैंक पेपर, खोलो फट 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 सॉल्व कर लो ना, वहीं पता चल जाएगा यार हाथ अटक रहा था तुम्हारा, ये हुआ है लगा, हाँ बहुत अच्छे से आ रहा है, किया अटक गया। फिर मैंने क्योंकि एक बार अटका ना, वहीं मेरे पास टाइम कम है, अब मैं ये तो वेट करूंगा नहीं कि 10 दिन बाद फिर मैं करूंगा, मैं वहीं फिर दोबारा उसको करता हूँ, फिर तीसरी बार करूंगा, फटाफट 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 हाथ से करूंगा, ऐसा कंसेप्ट ऐसा कंसेप्ट, तो अपने माइंड में वो सेट हो जाता है कि हाँ ये कंसेप्ट ऐसा है। उसके बाद मैं 4 दिन बाद कभी वो पेज निकलेगा मेरे साइड से तो मुझे पता रहेगा, अरे हाँ यार ये चीज़ तो ऐसी होनी थी। धीरे धीरे अपने आप कंसेप्ट खुल जाएंगे, क्योंकि हमारे हाथ न्यूरॉन्स वगैरह होते हैं, इन जितना हम हाथ से लिखते हैं उतनी जल्दी चीज़ें हमारे दिमाग में चली जाती है, तो कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होते हैं। वो जो बता दिए गुडविल वाली चीज़ आपको बता दिया कि ईपीएस डीपीएस जो मेथड होते हैं अर्निंग वगैरह से जो गुडविल कैलकुलेट करते हैं हम, वो अमल कमीशन में भी यूज़ होता है, तो ये बेनिफिशियल हो जाएगा। गुडविल वाले क्वेश्चंस जो हम करते हैं उसमें बहुत बेनिफिशियल होगा, शेयर वैल्यूएशन वगैरह, बिजनेस वैल्यूएशन, ब्रांड वैल्यूएशन, कैपिटलाइजेशन मेथड, इससे देखना रहेगा। ये तो हो गया अकाउंट्स का, ये मैंने मतलब लगभग पूरा अकाउंट्स ही कवर कर लिया, एक्सेप्ट कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन जो मैं कभी नहीं करता, क्योंकि एक तरफ कंसोलिडेशन और दूसरी तरफ पूरा FR, तो कभी नहीं देखा मैंने। इसके बाद आते SFM पे। SFM पे बच्चों का दर्द, मेरा भी दर्द हुआ करता था, मेरा दर्द होता था फॉरेक्स पे, जो एक्सचेंज रेट्स होती ना, क्रॉस रेट्स निकालना, उस पर मुझे दर्द हुआ था। मेरे से गलतियाँ होती थी उस पर। तो मैंने क्या किया, जब मैं पास होने से पहले इस अटम पे मैंने अपनी वीकनेस आइडेंटिफाई कर ली थी कि मैं यहाँ गलती कर रहा हूँ, देखने में मेरे को ऑडिट में मेरी चीज़ हो रही थी सॉल्व, की ऑडिट कर लिया चीज़ों का यार, हाँ बस ऐसा ऐसा ऐसा। मैंने क्रॉस रेट्स जो निकालते हैं हम, जो उसमें हमारी मिस्टेक्स बहुत होती हैं क्रॉस रेट्स में, हमको एक तरफ आ जाएगा हाँ मार्जिन लेना कहीं कहाँ नहीं लेना, क्रॉस रेट्स में भी हम लोग गलतियाँ कर जाते। तो ये मेरे अकॉर्डिंग क्रॉस रेट्स पे हमको पहले बेस हमेशा स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए, क्योंकि क्रॉस रेट जहाँ हमने गलत किया पूरा क्वेश्चन गलत, तो 5 नंबर का तो क्रॉस रेट का क्वेश्चन आता ही आता है, आने ही लगा है और वो आता ही है, और फिर दूसरे क्वेश्चंस भी वो क्रॉस रेट से ही यूज़ होते हैं उसमें, चाहे आप हेजिंग का क्वेश्चन ले लो, जो फॉरेक्स और हेजिंग का मिक्सचर क्वेश्चन होता है उसमें भी क्रॉस रेट यूज़ होता है। क्रॉस रेट के बिना आप कुछ ना डेरिवेटिव में भी लग जाओगे और फॉरेक्स में तो निपटोगे ही निपटोगे। और फॉरेक्स में कौन और दिक्कत कहाँ आती है कि जब हम कहते हैं कि जब बोरोइंग वाले क्वेश्चंस होते हैं कि होम कंट्री है, होम करेंसी है, फिर बाय सेल वाला वो लोचा फंस जाता है, वहाँ हम बहुत कंफ्यूज हो जाए किसको क्या बेचना। तो ये क्या दो चीज़ हर जगह कंसेप्ट सेम लगता था। मैं अगर आप रिस्पॉन्स देंगे, अगर आप चाहेंगे तो मैं अगले वीडियो में आपको पूरा फॉरेक्स की चीज़ बता दूंगा कि कौन सी जगह ऐसा है जो एक्सेप्शनल में चला जाता है कि होम करेंसी है, होम कंट्री है, कौन सी वाली रेट लेनी, बिड लेनी या आस्क लेनी, वहाँ हमको दिक्कत होती है, मुझे भी बहुत दिक्कत होती थी। तो मैंने इन रेट्स के ऊपर मैं मेहनत करी थी, मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी थी, मतलब 1-2 दिन मेहनत की थी मैंने इस पर। मैं मेरा क्योंकि मेरे पास टाइम कम था और मेरा 1-2 दिन मतलब जॉब के साथ जो चल रहा था, मैंने पूरा रेट्स पर मैं फोकस कर रहा था, मुझे रेट्स मेरा वीक है तो मुझे रेट्स पहले स्ट्रॉन्ग करना, बाद की चीज़ बाद में देखेंगे। तो ये देखा था जैसे मनी मार्केट ऑपरेशंस होते हैं, मतलब इन्वेस्ट बाय बोरो, बाय सेल ऐसा कुछ वगैरह होते हैं, तो इसमें रेट सेल कर बिड लेना, आस्क लेना, कौन सी कंट्री में, ये सब में बहुत कन्फ्यूज़न होता था। तो आई यूज़ टू मेक स्मॉल नोट्स हर एक चीज़ का, एक पेपर पर जॉट डाउन करके रख लिया था कि भाई ऐसा है तो ऐसा होगा, ऐसा है तो ऐसा होगा, और उसको कर लिया था, जो एक्सेप्शन भी बना दिया था कि ऐसी सिचुएशन में एक्सेप्शन होगा। जब चीज़ हम नहीं समझ पा रहे हैं, मेरे प्रोफेसर हैं जैसे संजय सराफ सर बोलते हैं, नहीं उन्होंने अच्छे से समझाया, संजय सराफ सर को भी मैं बहुत भगवान मानता हूँ, उनके भी मैंने लेक्चर्स देखता रहता था इधर उधर से और बहुत कुछ सीखा उन चीज़ों से। तो वो खुद बोलते हैं अगर नहीं आ रहा ना समझ तो रट लो, जब हमने अपना 100% लगा लिया, इफ एंड बट हर तरीके से लगा लिया, नहीं आता ना सिचुएशन रट लो, क्या करेंगे, नहीं मत रटो, और अगर कुछ पेपर एग्ज़ाम में आ गया तो फेल हो जाना। या तो मेरा मानना, मैं कहीं कभी भी सपोर्ट नहीं करता हूँ कि रटना चाहिए चीज़, मैं हमेशा सपोर्ट करता हूँ कि आप लॉजिकली अगर चीज़ जो चीज़ समझ में आएगी हम उसको जल्दी चीज़ समझ सकते हैं और रिटेन कर सकते हैं, रटने वाली चीज़ कभी रिटेन नहीं हो सकती है। तो जैसे कैंसलेशन वाला भी होता है फॉरेक्स में, लास्ट में जो क्वेश्चन है कैंसलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं फॉरेक्स के, तो वो भी क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं। तो अगर आप बोलेंगे तो मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं जहाँ से मैं पूरा चैप्टर रिवाइज कर लेता, चैप्टर के बेसिक कंसेप्ट रिवाइज कर लेता था, कि मुझे जैसे क्वेश्चन दिखते तो मुझे पता चल जाता था ये उस एक्सेप्शन क्राइटेरिया से आ गया, ये इसको ऐसा करना है। मैं एक्चुअली बहुत वीक था
चीज़ों में मैंने कोई क्लास नहीं ली थी, बस इधर उधर से तोड़ मरोड़ के चीज़ें पढ़ी हैं मैंने, तो मुझे पेन फील होता था। तब मुझे वो चीज़ पता चली कि इस वजह से यहाँ फेल होते हैं, जो रेट्स में हो जाएंगे, कैंसिलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में भी कई कई जगह घुमाना घुमाना कि बैंक आया तो बैंक की कई कई जगह लैंग्वेज से समझेंगे, जब बैंक की अटकी है तो रेट उल्टी हो जाएगी, वरना रेट नॉर्मल चलेगी। अगर क्वेश्चन ने ऐसी लैंग्वेज लिख दी कि बैंक की अटकी पड़ी है तो वहाँ कुछ और हो जाता है। ऐसा क्वेश्चन पीएम में आप देखना, लास्ट में वो मिलेंगे, लास्ट के क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं पीएम के। तो फॉरेक्स में ये है, पहले सबसे पहले क्रॉस रेट्स वगैरह हमको स्ट्रॉन्ग रखना है कि क्रॉस रेट कुछ भी हो, प्लस कहाँ बाय करना, कहाँ सेल करना, कौन से अलग 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 सिचुएशन में, अलग अलग जो टॉपिक्स हैं फॉरेक्स के अंदर, तो उसमें अलग अलग स्ट्रेटजी भी यूज़ होती है बाय सेल की, तो उसको देख के चलना रहता है हमको। उसके बाद आते हैं हम डेरिवेटिव पे। डेरिवेटिव में मैंने मेरे को फॉरेक्स डेरिवेटिव पोर्टफोलियो एग्ज़ाम के एक दिन पहले, ये मेरा 4 से 5 घंटे में 3 चैप्टर रिवाइज हो गए थे। मैं इसकी पूरी स्ट्रैटेजी बताता हूँ कैसे हुए थे। मैं डेरिवेटिव में जो डरते हैं लोग, तो मैंने क्या किया, डेरिवेटिव को तोड़ लिया चीज़ों में, जैसे FRA हुआ, फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट हुआ, ब्लैक शोल्स हुआ, बायनोमियल हुआ, स्वैप हुआ, वैल्यू ऑप्शन हुआ, इंटरेस्ट रेट वाला हुआ, फ्लोटिंग फिक्स्ड हुआ, मिक्स करते हैं, स्वैपिंग करते, स्वैप ऑफ करेंसी, स्वैप ऑफ इंटरेस्ट रेट्स। तो मैंने इन चीज़ों को एक टॉपिक वाइज तोड़ लिया था। मैं अंदर कोई स्ट्रैटेजी नहीं पढ़ा था मैंने जो बटरफ्लाई स्ट्रेडल सिंगल जो भी कितनी सारी स्ट्रेटजीज होती हैं, उसमें मैंने टाइम वेस्ट नहीं किया था अपना। इसलिए नहीं कहते क्योंकि वो जनरली 7th क्वेश्चन में आते थ्योरी में, और मैं कभी थ्योरी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करता हूँ, मैं न्यूमेरिकल में जाता हूँ रादर देन इतनी मेहनत करूँ उसमें। स्ट्रेटजी में कुछ गलत हो गया तो थ्योरी में तो नंबर मिलने से नहीं रहे। तो डेरिवेटिव में इतना ही तोड़ दिया था मैंने, वो इतने ही से पेपर आता ही है हमेशा ही, जो इंस्टीट्यूट का ट्रेंड है इससे बाहर डेरिवेटिव है नहीं। डेरिवेटिव को जबरदस्ती हवा बना दिया जाता है कि भैया बहुत टफ है डेरिवेटिव को, तो आप डिवाइड एंड रूल करके पढ़ो तो चीज़ें जल्दी हो जाएंगी। जैसे हैजिंग भी है डेरिवेटिव में, हैजिंग का क्वेश्चन फॉरेक्स के साथ आ जाता है, तो फॉरेक्स डेरिवेटिव फॉरेक्स दोनों मिलके आते हैं। और पोर्टफोलियो का तो बहुत बहुत ईजीली चीज़ होती है, ऐसे होती है पोर्टफोलियो में, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बेसिक फॉर्मूलेज और बेसिक कंसेप्ट पर फोकस कर लेना चाहिए पहली बार में, या पहली बार में क्वेश्चन जितने हैं आपके पास उतने सॉल्व कर लो, ज़्यादा हड़बड़ी मत करना। मैंने डेरिवेटिव पोर्टफोलियो का पीएम टच नहीं किया था, ट्रू फ्रेंकली एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग अबाउट दिस। मैंने पोर्टफोलियो के अपने बेसिक फार्मूलाज, बेसिक कुछ क्वेश्चन सीखे, उसके बाद व्हाट आई डिड, मैंने क्वेश्चन पेपर निकाले। मैं क्वेश्चन पेपर तो हर एक चैप्टर का क्वेश्चन पेपर से करने से ये फ़ायदा होता है कि मैं एक क्वेश्चन पेपर करता हूँ तो लगभग पूरा सिलेबस कवर होता है। जब मैं 3-4 अटैम्प्ट पीछे जाता हूँ करता जाता हूँ तो मुझे पता चलता है कि मेरा एक तो सिलेबस पूरा कवर हो रहा है लगभग, और मैं हर टॉपिक पर टच हो रहा हूँ, मुझे बोरियत भी नहीं हो रही, मुझे सीखने के लिए नई नई चीज़ें मिल रही। और नवंबर 16 और मई 15 इन 3 अटैम्प्ट में बहुत धांसू पेपर आए थे ICAI के, जिसमें पोर्टफोलियो अच्छे लेवल पर कवर किया गया था। और इन 3-4 अटैम्प्ट के पेपर से ना अगर आप कर लेंगे तो पोर्टफोलियो एट एक्सट्रीम लेवल आपका कवर हो जाएगा, उससे बाहर कंसेप्ट होगा ही नहीं पोर्टफोलियो के अंदर। वैसे बना तो सकते कंसेप्ट, बट जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है वो वही है जो 3-4 अटैम्प्ट जो मई 16 नवंबर 16 नवंबर 15 के जो क्वेश्चन होंगे वो एक्सट्रीम लेवल पर जो कंसेप्ट क्लियरिटी देंगे ना। मेरा फोकस कंसेप्ट पे था कि मेरे को कोई भी कंसेप्ट आए मैं अप्लाई कर सकूँ, मुझे कंसेप्ट पता है बट एप्लीकेशन से मिस्टेक हो रही थी, तो मैं पेपर सॉल्व कर दिया मैंने, तो उससे मेरी एप्लीकेशन सुधरी चीज़ों की। और ये भी पता चला कि ICAI को थ्रेट टाइप क्लियर तोड़ दिया था मैंने सिलेबस, कि भाई ऐसा ये पोर्टफोलियो में मार्कोविट्स है ये सब, मतलब नाम तो भूल गया लगभग, तो एक्सट्रीम लेवल पर क्या क्या जाएगी। 3 अटैम्प्ट में ये पता चल गया था, 3-4 अटैम्प्ट मतलब 3-4 अटैम्प्ट में उन्होंने कवर किया था पोर्टफोलियो। बाकी मैंने 10 अटैम्प्ट के पेपर सॉल्व करे थे और RTP MTP भी करे थे जितने मैक्सिमम हो सकते थे, तो उससे मेरी कंसेप्ट क्लियरिटी प्लस मुझे एप्लीकेशन कर पा रहा था मैं कंसेप्ट का अच्छे से, ताकि मतलब मुझे पास हो सकूँ सही से, तो हुआ भी। उसके क्वेश्चन पेपर आए MTP RTP पोर्टफोलियो में, और फार्मूलेज को मैंने क्या दीवार पर चिपका दिया था कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, कोएफिशिएंट क्या होते हैं, अलग अलग टाइप के फॉर्मूले से मैंने दीवार पर चिपका दिया था। डेली मतलब सोते जाते निकल रहे हैं साइड से तो अपना देख लेना चाहिए, फॉर्मूले तो चिपका लेना ही चाहिए। उसके बाद फैक्टरिंग पे आते हैं हम लोग। शायद मैंने भी पहले फैक्टरिंग छोड़ी थी पर इस अटैम्प में फैक्टरिंग नहीं छोड़ी थी और उसका मुझे फ़ायदा भी हुआ। फैक्टरिंग का हमेशा 8 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, और फैक्टरिंग के गिने चुने 4 या 5 क्वेश्चन हैं, 4 रिकोर्स नॉन रिकोर्स वाला होता है वो तो इस बार आया ही, और भी 2-3 टाइप के क्वेश्चन है बस, उसके अलावा फॉरेक्स है ही, वो फैक्टरिंग है ही नहीं, उसके अलावा कहीं से फैक्टरिंग में नहीं आएगा। उसके बाद हम मर्जर पर आते हैं।
मर्जर में पेन कहाँ होता है? जब क्वेश्चन बोलता है कि मैक्सिमम मिनिमम रेशियो बताओ, क्या रेशियो आप ऑफर करेंगे शेयर का, जो एक्वायरिंग कंपनी है वो कितना देगा या जो सेलिंग कंपनी है वो कितना लेगा मैक्सिमम मिनिमम, वो भी दो तीन टाइप के, कोई मार्केट कैपिटलाइजेशन निकालता, कोई कैसे निकाल लेता है चीज़ें, तो उन पर फोकस करना, क्योंकि इंस्टीट्यूट उन चीज़ों को फोकस करता है क्योंकि वहाँ कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। फिर आते हैं स्वैप, स्वैप रेशियो वगैरह निकालना। तो एक क्वेश्चन है बैंक का, जहाँ लॉस मेकिंग बैंक एक कंपनी लॉस मेकिंग मेकिंग बैंक को ख़रीद रहा था, तो उसमें स्वैप का अलग उल्टा रेशियो किया था क्योंकि वो लॉस मेकिंग कर रहा था। एक कंसेप्ट सीखने को मिला था कि लॉस मेकिंग एंटिटी को अगर हम खरीदते हैं तो स्वैप पॉइंट हमारे अपोजिट हो, स्वैप रेशियोज हमारे अपोजिट हो जाते हैं, एज मतलब जो दूसरों के लिए नॉर्मल करते हैं उसका अपोजिट करना पड़ता है लॉस मेकिंग के लिए। उसके बाद मर्जर में फ्री कैश FCFF के क्वेश्चन हैं जो लास्ट में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और मेरे अकॉर्डिंग इस बार FCFF का क्वेश्चन श्योर शॉट आना चाहिए एग्जाम में, क्योंकि अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं और पास्ट ईयर्स में भी इंस्टीट्यूट ने उसको टच किया था बट थोड़ा मॉडिफिकेशन हो गई। तो आप पास्ट ईयर के पेपर भी करना और FCFF के क्वेश्चन PM से भी करना, पास्ट ईयर में भी वो लगभग कवर हो जाए। आप पास्ट ईयर पेपर करेंगे तो वही PM है। तो मैं क्वेश्चन पेपर के लिए क्यों बोलता हूँ, क्योंकि आप मोनोटोनस फील नहीं करेंगे, आपको बोरियत नहीं होगी। अगर आप एक चैप्टर करते रहते ना तो एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस ख़राब हो जाती है अपनी चीज़ों की। जब अलग अलग चीज़ें चेंज मिलती जाती है ना तो इंटरेस्ट अच्छा होता है। और मैं क्वेश्चन पेपर प्रिंट निकाले थे मैंने, और हर जगह जहाँ भी मुझे दिक्कत होती थी तो मैं वहाँ नोट बनाता था मुझे यहाँ दिक्कत है, और चिल्ला चिल्ला के मतलब अपने आप से चिल्लाता था, अकेला रूम में हूँ तो उस पर चिल्लाता था कि यहाँ मैं मिस्टेक करता हूँ, उस पर मुझे ध्यान देना है। मेरे पास टाइम कम था, मुझे एनी हाउ क्लियर करना था, तो उस पर मैंने फोकस पूरा रख दिया था। इसके बाद हम देखते हैं लीज। लीज में भी गिने चुने क्वेश्चन है, बट PM के जो लास्ट के क्वेश्चन है दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक लीज रेंटल पे कर रहे हैं, लीज रेंटल को हम पे कर रहे हैं, उल्टा फाइनेंस लीज रेंटल को भी फाइनेंस कर रहे हैं जो लास्ट में क्वेश्चन हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लीज लेजर पॉइंट ऑफ व्यू, लीजी पॉइंट ऑफ व्यू, पहले बेसिक कंसेप्ट देख लेने का कि लीज लेजर लेजी का कैसे क्वेश्चन होता है। उसके बाद जो लास्ट के क्वेश्चन हैं, लास्ट के दशक क्वेश्चन होंगे, दे बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन है PM के, वो लास्ट के उसको कर लेना, उससे बाहर कंसेप्ट जाएगा नहीं। मैं ये नहीं बोलता कि क्वेश्चन वही आएगा, बट कंसेप्ट जो आप सीखेंगे उस कंसेप्ट तो कोई नहीं ला सकता ना। क्वेश्चन कैसा भी आ जाए एग्जाम में, लीज का तो लीज ही लीज होगी ना, लीज का मंत्र मतलब थोड़ी चेंज हो जाएगा। कंसेप्ट वहाँ से उठाते हैं, कोई इधर से उठाया, कोई इधर से उठाया, क्वेश्चन फ्रेम कर दिया, बट उसको प्रैक्टिस कर लेने का। जैसे डिविडेंड डिसीजन में, डिविडेंड डिसीजन में हम लोग फार्मूला में मिस्टेक कर देते हैं कई बारी, तो फार्मूले तो मैं ये कहूँगा अपनी दीवार पे लिख दो, और दिन में जितनी बार हो सके टाइम पास कर रहे हैं, कुछ सोच भी रहे हैं तो उस फार्मूले की तरफ देखते रहो, तो अपने आप हमारा वो उस पर कमांड बन जाएगा। सिक्योरिटी एनालिसिस में तो चैप्टर बड़ा है, बट इसके मैं क्वेश्चन भी जैसे बता दूँ, जैसे कि बॉन्ड रिफंडिंग का क्वेश्चन बहुत अच्छा है, डिविडेंड वाले क्वेश्चन में मिस्टेक कर देते हैं कई बारी, D1 नहीं निकालते हैं, मतलब मैं आपको पूरा इसके क्वेश्चन वगैरह दे दूंगा जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहे हैं मर्जर के, इसके सिक्योरिटी एनालिसिस के अंदर। जैसे PQR का ऑपरेटिंग मार्जिन वाला क्वेश्चन है, और CVL का एक क्वेश्चन है, और सैम लिमिटेड का एक क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छे से डिज़ाइन करे क्वेश्चन हैं। और इस अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाते हो और मैं कभी देखे ना हो और बार बार प्रैक्टिस ना की हो तो मिस्टेक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो मैं तो ये बोलूँगा इनको देखना चाहिए आपको। जो क्वेश्चन से बॉन्ड रिफंडिंग के हुए, डिविडेंड जो CVL का क्वेश्चन हुआ, सैम का हुआ, PQR का हुआ, इससे बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है हमारी, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जहाँ हम बेस हमें कंसेप्ट पता है, हम एप्लीकेशन गलत कर दी जाती है हमारे द्वारा। SFM का हुआ। अब हम आते हैं ऑडिट में। ऑडिट में मेरे 61 मार्क्स है, और ऑडिट का मैं बताता हूँ, मैंने MCQ के भरोसे बिल्कुल नहीं था, और ऑडिट में मुझे एक दिक्कत पर्सनली ये लग रही थी, एक तो 30 मार्क्स के MCQ हैं और 70 मार्क्स का वो है, और जो बुक्स थी मार्केट में 1500 2000 MCQ, तो मेरे तो प्राण निकल रहे थे जब मैंने उसका ही SS के ही करे 400-500, तो SS में हो गए, तो छुट्टियां भी नहीं थी, पढ़ने का टाइम भी नहीं था मेरे पास। बट हाँ, मेन कोर्स ऑडिट का मेरा थोड़ा स्टैंडर्ड ऑडिटिंग पर मेरी कमांड थोड़ी ठीक ठाक है, मुझे स्टैंडर्ड ऑडिटिंग में कभी दिक्कत नहीं होती थी, उसका भी मैं बताता हूँ क्यों दिक्कत नहीं होती थी, और उस मैं रटने के लिए कभी नहीं बोलूँगा, बट करेक्ट स्ट्रेटजी फॉलो करता था ऐसे इसके लिए। जैसे आप मैंने MCQ में ध्यान नहीं दिया था, और जो मेरे 61 मार्क्स आए वो सच बोलूँ तो MCQ के भरोसे नहीं है, MCQ मेरे अच्छे खासे गलत हुए होंगे। इंस्टीट्यूट के जो MCQ थे वो एग्ज़ाम के एक दिन पहले मैं बैठ के कर रहा था, वो इतने बड़े बड़े थे ना,
मेरा इतना टाइम ऑक्यूपाई उसमें स्पेंड हो गया था कि इतना डिप्रेस सा लग रहा था मैं कि यार निपट गए इस बार तो अपन कुछ पढ़ एमसीक्यू तो पढ़े ही नहीं अब तो एमसीक्यू तो असली एमसीक्यू एक दिन पहले मैंने देखे इंस्टीट्यूट के कि ऐसे एमसीक्यू हैं भाई और वहाँ 1500 एमसीक्यू क्या रिवाइज करने जाऊँगा या तो मेन कोर्स भी पढ़ा तो ये लगता था ना 30 मार्क्स छोड़ सकता हूँ ना 70 जो 70 मार्क्स हम पढ़ लेते कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल ये लगता कि नहीं यार अभी एमसीक्यू के लिए भी टाइम देना है 70 के लिए भी 100 के बराबर मेहनत देनी है हमने कि भाई अब 100 के लिए जो पढ़ते थे रिविज़न करते थे वो देना उसके बाद एडिशनल 31 का जाता यार इसके लिए और करना है ये बहुत फ्रेंकली चीज़ बता रहा हूँ ऐसा होता है इसके लिए स्ट्रेटेजी मैं बता देता हूँ आपको एमसीक्यू के लिए आप क्या करो जब भी आप किसी मेन बुक जो भी किसी भी ऑथर की आपके पास बुक हो आप एसेस पढ़ रहे हो तो वर्ड हर एक एसेस से स्टार्ट करता हूँ मैं आपसे स्टैंडर्ड ऑडिटिंग की कोई भी ऐसे लोग ऐसे 200 लोग तो उसमें रिक्वायरमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर होगी एथिकल रिक्वायरमेंट लीगल प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म प्रोफेशनल बिहेवियर ये सब रिक्वायरमेंट होती है हर एक ऐसे की एक रिक्वायरमेंट होती है और उसी से क्वेश्चन फ्रेम होता है टू बी वेरी फ्रेंकली हमको कंसेप्ट पता होना चाहिए हमको लिंक करना आना चाहिए जैसे ऐसे 200 हुआ तो हर एक ऐसे की रिक्वायरमेंट होती है तो और एग्ज़ाम में भी उसी रिक्वायरमेंट से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो मैंने तो रिक्वायरमेंट पढ़ा भाई एसेस के बारे में तो नॉर्मली जब रिक्वायरमेंट पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं से लिंक हो ही जाएगी जब मैंने रिक्वायरमेंट पढ़ लिया रिक्वायरमेंट हो गया तो उसकी साइड में जो मुझे लगता है कि इधर से एमसीक्यू बन सकता है तो मैं उसकी बुक की साइड में लिख देता था एमसीक्यू ऐसा मैंने बाद में फील किया था मतलब कुछ चीज़ों के लिए मैंने किया था बाद में ऐसा एमसीक्यू लिख दिया मैंने और बना दिया ऐसे ऐसे क्वेश्चन बन सकता जब मैं एक दिन पहले रिवाइज़ करूँगा ऐसे इसको तो मेरे सामने से मेरे बगल में ही रहेगी ये तो एमसीक्यू इधर से ऐसा बन सकता है तो मुझे एडिशनल वो बुक रिफ़र नहीं करनी पड़ेगी एडिशनल मुझे 30 मार्क्स के लिए ज़्यादा बर्डन नहीं देना पड़ेगा क्योंकि मेरा साइड बाय साइड वो चीज़ हो जाएगा और मेंटल प्रेशर भी हमारा काफ़ी लो रहेगा उस चीज़ पर क्योंकि वो 30 मार्क्स की वजह से मेंटल प्रेशर भी अबव होता है लोग कहते हैं एमसीक्यू अच्छा मैं भी कहता हूं एमसीक्यू सपोर्ट में हूं मैं तो बोलूँगा कि 50 मार्क्स का एमसीक्यू होना चाहिए थोड़ा बैलेंस अप्रोच होना चाहिए सब्जेक्टिविटी कम होना चाहिए एग्जामिनर का तो हर एक ऐसे की रिक्वायरमेंट होती है ऐसे 300 हुआ ऐसे 400 ऐसे 500 हुआ जिसमें से ऐसे 300 मैं ये बोलूँगा ऐसे 300 बहुत इंपॉर्टेंट है जो रिस्क असेसमेंट है रिस्क आइडेंटिफिकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप वो कर लियो कभी भी 300 का क्वेश्चन आ गया 300 310 300 315 320 इनमें ऐसे तो 330 मुझे याद नहीं है मैं परफेक्ट मुझे नहीं पता कि नाम सही नंबर सही बोल रहा हूँ पर ऐसे 300 का सीरीज़ को हाथ में लेने से ना रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर फर्दर असेसमेंट प्रोसीजर रिस्क RAP FAP जो होता है ना कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा ना 300 का तो आप पूरा लिख दोगे ना जितना आता है ऐसे तो कहीं ना कहीं आपका सही हो जाएगी वो चीज़ अगर नहीं आता है उस केस पर 300 आता है पर एग्जैक्ट आप पॉइंट नहीं कर पा रहे हो ऐसे 300 का क्वेश्चन तो आप ऐसे 300 आता है बट एग्जैक्ट आप लोकेट नहीं कर पा रहे हो कौन सा पॉइंट लिखना तो जितना आता है ऐसे 300 पूरा छाप दो मार्क्स मिल जाएंगे मैं कभी पैराग्राफ थ्योरी सब्जेक्ट को कभी मैं पैराग्राफ में नहीं लिखता हूँ पैराग्राफ में लिखने से क्या होगा ना कि आपको ऊपर की चीज़ गलत हो गई ना तो नीचे आपको कोई चेक नहीं करेगा तो पॉइंट वाइज में क्या करते हैं कि जो मैंने खुद फील किया पॉइंट ऊपर का अगर गलत है ना तो नीचे का तो पॉइंट अलग मैंने सेपरेट कर दी ना चीज़ तो नीचे का पॉइंट अलग हो गया तो नीचे का पॉइंट सही है तो उधर मुझे मार्क्स मिलने की प्रोबेबिलिटी हाई हो जाएगी और ऑडिट का ये उसके बाद जो अदर ऑडिट हुए हमारे NBFC बैंक और इंश्योरेंस ये सब तो इनका मैं क्या करता था डेली रिपीटेटिव रिवीजन जैसे कि क्या किया मैंने अगर मैं इंश्योरेंस पढ़ रहा हूँ या बैंकिंग पढ़ रहा हूँ बैंकिंग में बहुत सारे क्वेश्चन हैं मैं कभी एट अ स्ट्रेच कभी एक चैप्टर नहीं पढ़ता था मैंने पाँच छः क्वेश्चन इस बैंकिंग के पढ़े फिर 3-4 क्वेश्चन मैंने इंश्योरेंस के लिए फिर एक आध क्वेश्चन किसी और के ले लिया तो मेरे को मोनोटोनस भी नहीं हुआ मेरे को भी नई चीज़ सीखने को मिली मेरे को भी नया सब्जेक्ट मिला मेरा इंटरेस्ट भी बना बराबर रहा और मैं क्या करता फिर मैं अगले दिन जब आगे बढ़ूंगा दोबारा उसके आगे 5 करूंगा तो जो पिछले 5 होंगे वो अपने आप कहीं ना कहीं समहाउ हम टच कर लेते हैं वो करना भी चाहिए मैंने कभी चीज़ रटी नहीं मैंने रिपीटेटिव रिवीजन दिए हैं आप महीने अगर आज से स्टार्ट करते हैं और आप महीने में 15 दिन रिवीजन मतलब कैसा कि हर एक दिन सिर्फ 1 घंटा रिवीजन के लिए रखना ऑडिट का तो काफ़ी फ़र्क नज़र आएगा आपको आपको रटने का आपको अपने दिमाग में सेट हो जाएगी चीज़ और वो एग्ज़ाम के दिन मतलब 1 महीने बाद आप खेलोगे ऑडिट में आप अपने आप टाइम कम कर दोगे ऑडिट का कि टाइम कम कर दिया दूसरे सब्जेक्ट को मैंने टाइम दे दिया अपने आप फ्लेक्सिबिलिटी आती है जब आप रिपीटेटिव रिवीजन करोगे चीज़ अपने आप होल्ड में आने लगती है एसेस का भी यही करता था आप बिलीव नहीं करेंगे ऐसे
500, मैंने इतना बार बार इतना मतलब पूरे ऐसे से रिविज़न किए थे, ऐसे 500 मेरा 45 मिनट में 40-45 मिनट में अच्छे से रिवाइज, पूरे के पूरे ऐसे 500 के जितने 500 में थे पूरे रिवाइज हो गया था, बिकॉज रिपीटेटिव रिविज़न। आज मैंने ऐसे 200 पढ़ा ना, ऐसे 200 की सीरीज़ मैंने करा, जितने भी पढ़े 2-4 ऐसे पढ़े, और मैं कल करूँगा ना पहले नया भी कर लूँगा, साथ में ट्राई करूँगा कि ये भी मेरा कवर हो जाए थोड़ा थोड़ा ऊपर से, फिर अगले दिन फिर और कवर हो जाए और कवर हो जाए, फिर एक दिन ऐसा करूँगा कि नया नहीं पढ़ के मैं उन ऐसेज को दोबारा रिवाइज़ करूँगा, दोबारा के दोबारा रिवाइज़ करूँगा, तो उससे मुझे क्या होगा, मेरा कमांड आ जाएगा, मेरे को चीज़ों पर होल्ड बनने लगेगा। मैं बार बार महीने में 10 बार भी रिविज़न कर लिया ना उन चीज़ों का, तो वो होल्ड बन जाएगा। मेरा मानना था कम खाओ पर अच्छा खाओ, मैंने ऐसेज पढ़े कम खाया, मतलब कम जैसे मानो मैंने कवर नहीं किया, ऑडिट मैंने पूरा कवर किया था तो, बट मेरा मानना था जितना मैं, अगर मेरे पास टाइम है ना, मैं जितना कर पा रहा हूँ, पर ऐसे टू बी ग्रांटेड नहीं पढ़ा, बस पढ़ लिया माइंड, मतलब देख बोलने के लिए पढ़ लिया, हाँ ऑडिट हो गया। ऑडिट किसका हुआ, मेरा तो नहीं हुआ ना, बोलने के लिए हो गया। बट मैंने कहा ऐसे पढ़ा ना तो ऐसा पढ़ो ना कि बस कंक्रीट हो जाए, इसके बाहर मतलब शार्प हो जाए, कि अगर इसके क्वेश्चन आए तो तोड़, इससे कोई हिला नहीं सकता। जैसे ऐसे इस बार साथ साथ हमारे क्वेश्चन आए थे, उसमें मुझे अच्छे खासे नंबर मिले होंगे, क्योंकि बार बार रिविज़न था, पॉइंट टू पॉइंट पूरे के पूरे पॉइंट साफ के आ गया था, क्योंकि रिपीटेटिव रिविज़न किया था, तो मेरे माइंड में सेट हो गई थी चीज़ें जाके ऐसे इसकी, ऐसे इसका कुछ भी क्वेश्चन आ जाए आप खुद देखिएगा, आप 5-6 बार खुद रिपीटेटिव रिविज़न करेंगे, और क्वेश्चन स्कैनर से किसी के भी देख सकते हैं, तो कुछ ही जैसे अगर 80 क्वेश्चन हैं ऐसे इसके सपोज़, उनमें से सिर्फ हार्डली 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो हाई ऑर्डर थिंकिंग लगेंगे, यार ये अलग है, सिर्फ वो 10, और उन 10 की वजह से हम बोल देते ऐसे सा टफ, ऐसे टफ नहीं है, रिपीटेटिव रिविज़न प्लस जो रिक्वायरमेंट है ऐसे की हमको उस पर फोकस करने का। और अभी ऑडिट तक ही मैं रोक रहा हूँ, लॉ का दूसरे वीडियो में बताऊँगा, और आपको जो भी ऐसे इसके बारे में गाइडेंस चाहिए हो प्लीज़ कॉमेंट, आई विल गाइड यू, जैसा भी आपको गाइड चाहिए, जो भी आपको ज़रूरत हो, मैं आई विल ऑलवेज देयर फॉर यू ऑल, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप मुझे कॉमेंट कर दीजिए, आई विल प्रोवाइड यू माई कॉन्टैक्ट नंबर, और आप लोग मुझे फ़ोन कर सकते हैं, बट फ़ोन मेरा मंडे टू फ्राइडे 1-4, उसके बाद 10 रात के 10 से 12, 5 से 10 मैं कोई कॉल नहीं लेता हूँ, क्योंकि मैं बाहर होता हूँ अपने कुछ और कामों के लिए, पर्सनल लाइफ, घूमना फिरना, 10-5 मेरा जॉब होता है, और 1-3 थोड़ा मैं फ्लेक्सिबल होता हूँ, तो मैं टाइम होगा तो आई विल टेक कॉल्स, आई विल गाइड यू, क्योंकि मैं जानता हूँ कहाँ पेन होता है, किस वजह से हम फेल हो जाते हैं, ये चीज़ थोड़ा समझ आ चुकी है। तो आप लोगों को जो भी लगे आप प्लीज़ फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।